Hello friends, welcome to Sunday class. I'm here to deliver my story. फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपनी कहानी को लेकर. और बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको कहानी सुनाना नहीं है. मेरा एक उद्देश्य है कि ये कहानी आप सुनकर दूसरों तक ज़रूर पहुँचाए, ये चेन जो है बंधती चली जाए. क्योंकि आज के युग में पैसे से किताबी ज्ञान तो खरीदा जा सकता है, लेकिन हकीकत में जिसे हम ज्ञान कहते हैं उसे नहीं खरीदा जा सकता है. उसको खरीदना इम्पॉसिबल है. और वो ज्ञान इन्हीं सब तथ्यों से मिलते हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं. इनको सुनकर, इनको सुनाकर, इनको धारण करके, इनको अपना करके हम उस ज्ञान तक पहुंच सकते हैं. तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो हर संडे क्लास की कहानी है उसको सिर्फ अपने तक सीमित ना रखकर दूसरों तक पहुंचाएं. और ये तभी हो सकता है जब आप मेरी कहानियों को सुने और सुनकर उसको दूसरों तक पहुंचाएं. आप सिर्फ अपने तक या हमारे और आप तक ये सीमित ना रहे, ये दूसरों तक पहुंचे. और ये आप ही कर सकते हैं. तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज करें, आप सुने और सुनाए भी. आज की कहानी शुरू करते हैं. आज की कहानी भी कुछ इसी तरीके की सीख पर है कि हम अपने ज्ञान को समझें, अपने शक्ति को समझें. आइए कहानी शुरू करते हैं. एक बाज का अंडा एक दिन एक मुर्गी के घोंसले में गिर गया. और वो अंडा धीरे धीरे, जैसे मुर्गी हैच करती है, मुर्गी उस पे बैठ बैठ कर उसको परिपक्व करती है, वैसे ही मुर्गी ने किया और सारे अंडे चूजों में बदल गए. जब सारे अंडे चूजों में बदल गया तो वो बाज का बच्चा भी उसमें ही किलकारियां मारने लगा, उन्हीं लोगों के साथ चू 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 करने लगा. क्योंकि वो मुर्गी के अंडों के साथ, मुर्गी के चूजों के साथ रहता था, तो उसने वही चीजें अपना ली जो वो करते थे. वो थोड़ी सी उड़ान भरते थे तो वो भी थोड़ी सी उड़ान भरता था. वो चू 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 करके इधर उधर दौड़ते, वो भी चू 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 करके इधर उधर दौड़ता. लेकिन वो अपने आप को पहचान नहीं रहा था, वो अपने आप को मुर्गी का चूजा ही समझ रहा था. एक दिन उसने आसमान में बाज को उड़ते हुए देखा. और उस बाज को इतनी ऊंचाई पे उड़ते हुए देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ. तो उसने अपने भाई बहनों से पूछा कि ये कौन सा पक्षी है जो इतनी ऊंचाई तक उड़ रहा है और इससे जरा भी डर नहीं है. तो मुर्गी के जितने भी चूजे थे उन्होंने कहा, ये पक्षियों का राजा बाज है और ये बहुत ताकतवर, ये बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए इतनी ऊंचाई पर अपनी उड़ान भर सकता है. लेकिन तुम कहाँ और हम कहाँ ऐसी उड़ान भर सकते हैं. हम अपनी ऐसी उड़ान नहीं भर सकते क्योंकि हम चूजे हैं. हम थोड़ा सा उड़ सकते हैं, इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते हैं. यह सुनकर उस बाज के बच्चे ने ये मान लिया कि वो मुर्गी का चूजा है. और फिर वो पूरी जिंदगी उन चूजों के साथ ही वैसे ही चू चू करता रह गया. और ना ही उसने अपनी शक्ति का अनुमान किया, ना ही उसने अपने आप की पहचान की. वो उसी तरीके से जीता रहा, उसी तरीके से उसका अंत हो गया. तो बच्चों, ये बहुत बहुत जरूरी है, ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हम बहुत समय ऐसा रहता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम उस परेशानी या उस प्रश्न को हमारे अंदर हल करने की क्षमता है. अगर हम अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे नहीं तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे. ज़रूरत है आज के दौर में इस चीज़ की, बहुत बहुत ज़रूरत है कि हम अपने क्षमता को पहचाने कि हमारी क्या क्षमता है, हम किस
लिए इस धरती पे आए हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कितना लड़ सकते हैं, हम कितना जूझ सकते हैं, ये सारी क्षमताओं का ज्ञान हमें होना चाहिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपनी पहचान बना सकते हैं, वरना भीड़ में हम चलते जाएंगे और हमें कोई पहचान नहीं पाएगा, हम भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। तो हम आम इंसान बनने के लिए धरती पे नहीं आए हैं, हमें सोचना चाहिए कि हम ऐसा कुछ करें कि हमें इतिहास याद करे। तो बच्चों, हमें उस बाज के जो चूजा था उसकी तरह नहीं बनना है, हमें बाज बनना है जो हवा को चीरता हुआ आकाश की उस ऊंचाई पर उड़ सके जहां पर कोई भी नहीं उड़ सकता है। तो हमें बाज बनना है, अपनी अपने जीवन की सारी क्षमताओं को जानना है कि हम क्या हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे उबर सकते हैं, कैसे हम निवारण कर सकते हैं हर संकट का। तो अपने आप को पहचानना बहुत बहुत ज़रूरी है, ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी, और ये ज्ञान पैसे से नहीं होता, ये ज्ञान आपको अपने आप अंदर से, जब आप इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते हैं तो आपके अंदर एक चित्कार होती है, एक पुकार होती है कि हाँ ये चीज़ मेरे में भी है, ये संकल्प मैं भी कर सकता हूँ, ये दृढ़ निश्चय मैं भी कर सकता हूँ और ये काम मैं भी कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हम जब अपने आप को पहचानेंगे तो हम मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत बहुत प्रेशियस है। तो सुनते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे को एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।